दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदू धर्म में शादी के बंधन को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है। इतना ही नहीं, सनातन धर्म में सदैव केवल एक ही पुरुष और एक ही स्त्री की बात कही गई है, अर्थात पुरुष के जीवन में एक ही महिला और महिला के जीवन में सदैव एक ही पुरुष होना चाहिए। लेकिन अगर हम आपसे कहें वैदिक परंपरा के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वैदिक परंपरा के अनुसार ही हर स्त्री के चार पति होते हैं, और एक पुरुष के साथ स्त्री जो अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है, असल में वो उसका चौथा पति होता है। तो बाकी के तीन पतियों के बारे में जानने के लिए बने रहें वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 कर्म बताए गए हैं, जिन्हें 16 संस्कारों के नाम से भी जाना जाता है। किंतु विवाह संस्कार की बात करें तो कहा जाता है जीवन में विवाह सिर्फ एक बार होता है और सिर्फ एक ही इंसान से किया जाता है। लेकिन इसके अलावा हिंदू धर्म में 7 अंक का बहुत महत्व है। दोस्तों, हम आपको बता दें, वैदिक परंपरा में एक नियम है जिसके अनुसार स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को अपना पति बना सकती है। और आपने कई पौराणिक कथाओं में देखा होगा कि एक महिला ने कई कई पुरुषों से विवाह किया। अब आप सोच रहे होंगे कि वैदिक परंपरा में स्त्रियों के 4 पति होने का नियम है, तो फिर वो 3 पति कौन से हैं जिसके साथ स्त्री विवाह करती है, और हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं है? तो चलिए सबसे पहले स्त्रियों के इन 4 पतियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, विवाह के समय होने वाले रीति रिवाजों में सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है। इसके बाद विश्व पशु नाम से गंधर्व को, और फिर कन्या का अग्निदेव के साथ भी विवाह संपन्न किया जाता है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं है? दरअसल दोस्तों, विवाह के दौरान पंडित जी जिन मंत्र का उच्चारण करते हैं वह संस्कृत में होते हैं, और हम में से अधिकतर लोगों को संस्कृत समझ में नहीं आती। दूसरा कारण यह है कि आजकल चटमंगनी और पट ब्याह वाली कहावत अधिकतर शादियों में देखने को मिलती है। आजकल लोग शादियों में सजावट से लेकर अन्य कामों पर काफी खर्चा करते हैं, लेकिन पंडित जी द्वारा बताए जाने वाले विधि विधान में वो काफी जल्दी करते हैं और उन्हें दान देने में भी संकोच करते हैं। दोस्तों, यहाँ तक कि विवाह में ऐसे पंडितों को जिन्हें संस्कारों और धर्म का ज्ञान तक नहीं है, ऐसे में विवाह पहले की तरह यानी सभी रस्मों से नहीं हो रहे। शायद यही वजह है कि पंडित अब इन 4 पतियों के बारे में सबको नहीं बताते। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि कैसे हर स्त्री के 4 पति होते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हमारी सभी वीडियोस को आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, मिलते हैं एक इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।